रूस यूक्रेन जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर है। दोनों तरफ से हथियारों की भयानक होड़ जारी है। इन सब के बीच पुतिन बैटल जोन में एक ऐसा खतरनाक योद्धा उतारने जा रहे हैं जो दुश्मन के खेमे को कोहराम में बदल देगा। देखिए रिपोर्ट। समंदर की कभी शांत तो कभी उछलती लहरों पर जिसने काबू कर अपनी ताकत का झंडा गाड़ दिया, जंग में परचम उसी का लहराता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के साथ चल रही खतरनाक जंग को देखते हुए रूस ने समंदर में एक नए अजेय योद्धा को उतारने की तैयारी कर ली है। समंदर में पुतिन के ब्रह्मास्त्र की बारी, 20 क्रूज मिसाइलों वाले युद्ध पोत की तैयारी। रूस यूक्रेन जंग को 2.5 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन जंग में दो तरफा तबाही जारी है। ना यूक्रेन मानने को तैयार है, ना रूस रुकने को राजी। यही वजह है कि इस जंग में जीत की बाजी के लिए हथियारों की होड़ दोनों तरफ एक सी है। पुतिन ने समंदर में अपनी जंगी तैयारियों को धार देने के लिए अब 20 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस एक नए युद्धपोत की तैयारी कर ली है। जाहिर है इसकी प्लानिंग में यूक्रेनी ठिकानों के विध्वंस की स्क्रिप्ट भी शामिल होगी। नया युद्धपोत मल्टीपर्पज ब्यूयान क्लास कॉर्वेट का अपडेट होगा। आमतौर पर अत्याधुनिक आर्टिलरी के साथ साथ रॉकेट और मिसाइल सिस्टम से ये लैस होते हैं, लेकिन नया युद्धपोत अपडेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी गन और मिसाइल सिस्टम से लैस होगा। इस जहाज के लंबे वेरिएंट में 1,500 टन विस्थापन क्षमता होगी। सरसर प्रोजेक्ट के तहत पेश किए गए इस नए जहाज के मॉडल के मुताबिक ये 20 कैलिबर क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा। रूस की प्लानिंग के मुताबिक कुछ वर्षों के अंदर इतनी भयानक मारक क्षमता वाली वॉरशिप उनके पास होगी। दरअसल ये 74 मीटर लंबे ब्यूयान एम मिसाइल कॉर्वेट का विस्तार है, जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और दूसरे कई अत्याधुनिक हथियारों के साथ ही इसमें 3K-14 कैलिबर मिसाइलों को रखने वाली 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब होते हैं। दरअसल रूस को नए वॉरशिप की प्लानिंग यूक्रेन के क्रूज मिसाइल हमलों की आशंका के कारण करनी पड़ी, जिसके लिए पुतिन को पिछले महीने सीक्रेट मीटिंग भी बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा जंग में रूस को बेहद खतरनाक चुनौती दे रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के एक ताजा बयान ने रूस के कान खड़े कर दिए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका से लंबी दूरी की अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों की आपूर्ति का अनुरोध किया गया है। When a lot of countries began to support victory plan, you see what's going on now in media, they said that Ukraine wants or wanted a lot of missiles like Tomahawk and etc. And but it was confidential information between Ukraine and White House. दरअसल अब तक अमेरिकी और नाटो देशों के हथियारों के दम पर ही यूक्रेन जैसे देश ने रूस की नाक में दम कर रखा है। अगर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें मिल गईं, तो रूस के लिए खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइलों की मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर है, जो इस वक्त यूक्रेन के पास मौजूद किसी भी मिसाइल से कहीं ज्यादा है। जाहिर है इससे पुतिन की परेशानी और बढ़ने वाली है। यही कारण है कि रूस न सिर्फ समंदर पर बल्कि आसमान और जमीन पर भी दुश्मन को खाक करने की तैयारियों में जुटा है। हाल ही में पुतिन ने बड़े स्तर की न्यूक्लियर ड्रिल की है,
जिसमें जमीन से एटमी बैलिस्टिक मिसाइलें, आसमान से न्यूक्लियर बॉम्बर और समंदर से न्यूक्लियर सबमरीन से एटमी मिसाइलें दागी गईं। इसके जरिए पुतिन का मकसद था ज़ेलेंस्की से लेकर अमेरिका तक में खौफ पैदा करना, क्योंकि इसमें कई मिसाइलें अमेरिकी शहरों को भी निशाना बना सकती हैं। रूस ने इस रील में TU-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर की ताकत भी दिखाई। TU-95MS को रूस का दूसरा सबसे घातक बॉम्बर माना जाता है, जिसकी तुलना अमेरिका के B-52 से की जाती है। साथ ही न्यूक्लियर ड्रिल में TU-95MS से KH-55 क्रूज मिसाइलें दागी गईं। यह मिसाइल पुतिन की टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल मानी जाती है, जो 2,500 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकती है। अब 20 क्रूज मिसाइलों वाला नया युद्धपोत रूस के खतरनाक जंगी बेड़े की एक नई उपलब्धि होगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही हथियारों की होड़ ही वो वजह है कि ये जंग जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। टीम न्यूज़ नेशन।